तो दोस्तों आज मेरे पास एक ऐसा कूलर आया जो कि बिल्कुल नया है, परंतु जब इसको चालू हम करते तो यहाँ पे जाम हो जाता है, उसको धक्का देके चालू करना होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसके बूस और चापर चेंज करके आप इसको नया जैसा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पंखुड़ी खोलने, उसके बाद यहाँ पे जो वायर है आपको इस प्रकार से किसी भी पकड़ से काट लेने हैं, क्योंकि आपको जब भी वायर काटने तो बीच में से काटने हैं, न कि किनारे से। फिर उसके बाद आपको ये जो बोल्ट है ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको खोल देना है, और खोलने के बाद आपको इसकी मोटर है इसको आपको इस प्रकार से बाहर निकाल देना है। अब जब आप इसको बाहर निकालते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इसके जो वायर है इसको छील लेने हैं, और छीलने के बाद सबसे पहले इसके जो वायर है उसको सीधी से चेक करना है कि इसके वायर सही से बता रहे हैं या नहीं। इसमें जो कॉमन वायर होता है वो ब्लू होता है, और दूसरे जो तीन वायर होते हैं वो यहाँ पे स्पीड होते हैं, और दो कैपेसिटर के वायर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी को चेक कर लिया है, सभी बिल्कुल सही है। अब मैं इसको खोलने के लिए सबसे पहले यहाँ पे निशान कर लेता हूँ, ताकि इसकी जो प्लेट है इसके जो ढक्कन है वो सही से मैं मिला सकूँ और बड़े आराम से इसको फिट कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं सभी बोल्ट को खोल देता हूँ, आपको भी इस प्रकार से खोलने, यदि नहीं खोले तो आप इसको काट सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जब भी मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ पे आपको भी इस प्रकार से खोलना है, और खोलने के बाद आपको अपनी मोटर को इस प्रकार से इसके जो ढक्कन है उसको अलग कर लेना है। अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ये जो पीछे वाला बूस है वो इस चापट के चिपक गया है, तो सबसे पहले मैं आगे वाला जो चापट है इसको इस प्रकार से किसी पेपर से घिस लेता हूँ, ताकि आगे वाला जो ढक्कन है वो आराम से निकल जाए। तो आपको भी इस प्रकार से घिसना है, और इसके बाद आगे वाले ढक्कन को निकाल देना है। अब यहाँ पे आप पीछे वाला ढक्कन निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो वायर है आप देख रहे हैं, ये जो वायर है आपको उसको अंदर की ओर धकेलना है, जिस प्रकार से मैं यहाँ पे धकेल रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल देना चाहते हैं तो ऑयल दे सकते हैं, और धकेलने के बाद यहाँ पे आपको ये जो आर्मेचर है उसको निकालना है। मेरा जो आर्मेचर है वो चिपक गया है तो यहाँ पे नहीं निकल रहा, क्योंकि पीछे वाला जो बूस है उसके चिपक गया है। अब जब भी आप इसको निकालते तो इसके जो बूस और जो इसका जो स्टेट है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पे आप इसकी चापर देख सकते हैं, आपको चापर चेंज करना हो तो आप इसको ठोक के इस प्रकार से निकाल सकते हैं, और मार्केट से दूसरी चापर लाके फिर लकड़े पर पटक के आप इसको वापस लगा सकते हैं। यहाँ पे जो बूस है इसको चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसकी जो चाल है वो देख लेता हूँ। आप देख सकते हैं दोनों घिसे हुए, तो यहाँ पे चाल काफ़ी ज़्यादा है, तो चाल ज़्यादा है इसलिए हमें बूस और चापर दोनों चेंज करना है, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं आती है। इस बूस को भी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे नया बूस यहाँ पे लाया है। तो उसको निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक पेड़ है उसको लेता हूँ, और यहाँ पे नुकीला मेरे पास कोई है, इसको ठोक के यहाँ पे इस प्रकार से इसके जो रबिट है वो निकाल सकता हूँ, और निकालने के बाद इसका जो पुराना बूस है इसको हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जब यहाँ पे नया बूस आप लगाते हैं सबसे पहले आपको उसको साफ कर लेना है, उसके बाद आपका जो नया बूस है उसको बैठाने के लिए सबसे पहले इसके जो पॉइंट है उसको भी यहाँ पे रबिट निकाल लेना है, उसके बाद दूसरा जो बूस है उसको बैठा के यहाँ पे आपको ये जो लंबा मिलता है उस लंबे को आपको उसके अंदर बैठाना है, और इसके बाद यदि आप अभी ऑयल देना चाहते हो तो अभी ऑयल दे सकते हैं, नहीं तो आप बूस बैठाने के बाद भी आप ऑयल दे सकते हैं, क्योंकि बाद में भी आपको स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो रबिट है उसको बैठाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे स्प्रिंग को बैठा लेता हूँ, उसके बाद इसका जो ढक्कन है जो कि बूस का है उसको मैं रबिट से यहाँ पे फिट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट को मिला लेता हूँ, और नीचे से जो रबिट है वो बैठाना है, उसके बाद आपको पकड़ की सहायता से उसको ठोक कर आपको उसको दबा लेना है, या फिर किसी भी चापड़ की सहायता से आप उसको ठोक सकते हैं। और जब यहाँ पे बूस लग जाता है तो आपके जो बूस है वो इस प्रकार से दिखाई देते हैं, फिर आप इसको फिट करना चाहते हो तो फिट कर सकते हैं। इससे पहले आप यहाँ पे यदि ऑयल नहीं दिया तो आपको ऑयल भी दे देना है। जब यहाँ पे आप ऑयल दे देते हैं तो उसके बाद आपको अपना जो आर्मेचर है उसको लेना है, और लेने के बाद आपको उसको फिट करना है। फिट करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो पीछे वाली चापट है वो टच नहीं हो, इसलिए सबसे पहले आपको जो बूस का स्पेस है वो देख लेना है कि आपकी जो चापट है वो ज़्यादा बाहर तो नहीं है, जिससे कि ढक्कन की टच होके आवाज आ सकती है। तो यहाँ पे कोई आगे नहीं, मैंने सही से चेक किया, यदि सही नहीं तो आप ऐसा दे सकते हैं। और उसके बाद आपको वापस उसी प्रकार से ढक्कन को फिट करना है जिस प्रकार से आपने खोला था, और उसके बाद यहाँ पे आर्मेचर को बैठा के जो ऊपर वाला ढक्कन है उसको भी यहाँ पे इस प्रकार से बैठाना है, उसके बाद जो लाइन है लाइन से मिला लेना है, और उसके बाद यहाँ पे दोनों को फिट करके यहाँ पे आपको चेक करना है कि इसकी जो चापट है इसके अंदर चाल कितनी है। यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि एक वैसे जितनी यहाँ पे चाल होनी ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपकी मोटर फ्री घूमती है। यदि इसके अंदर चाल नहीं है तो यहाँ पे मोटर घूमने वाली नहीं है। तो एक वैसे जितना आपको चाल रखनी है, ज़्यादा चाल नहीं रखनी है। उसके बाद यहाँ पे बोल्ट को कस लेना है, और कसने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो मोटर है वो ओके हो चुकी है।
अब यदि मैं इसको सीरीज के अंदर चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सीरीज के अंदर आप देख सकते हैं कि मैं इसको चलाता हूँ तो बड़े आराम से चलती है, इसकी जो स्पीड है वो भी काम कर रही है, साथ में कैपेसिटर भी काम कर रहा है और जो ये मोटर है वो बिल्कुल नई हो चुकी है क्योंकि इसके बूस्ट और चापट है दोनों चेंज हो चुके हैं, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी शिकायत नहीं आएगी। क्योंकि यदि आप केवल बूथ चेंज करते हैं तो वो चापट घिसी हुई होती है तो उसके अंदर ऑयल जमा हो जाता है जिससे कि वो चापट वापस एकदम जाम हो जाती है, फिर इसके अंदर ऑयल जमा होकर काला काला हो जाता है जिससे कि हमारी जो या मोटर हम लगाते हैं उस पर कंप्लेन आ सकती है। तो यहाँ पे हमें बूस और चापर दोनों को चेंज करना है, उसके बाद आपको इसी प्रकार से मोटर को फिट करना है जिस प्रकार से आपने पहले किया था। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको इस प्रकार से फिट करके यहाँ पे नट को कस लेना है, उसके बाद यहाँ से कलर आपको मिला लेना है, ब्लू से ब्लू, वाइट से वाइट, रेड से रेड और ब्लैक से ब्लैक को आपको मिला लेना है। उसके बाद जो कैपेसिटर है उसको भी लगा लेना है और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो मोटर है वो फिट हो चुकी है। फिर यदि आप यहाँ पे पंखा लगाना चाहते हैं इसका तो यहाँ पे लगा सकते हैं, फिर आपको सही से टैप करनी है, कोई भी बीच में नहीं आए, और उसके बाद यहाँ पे हाथ से घुमा के देख सकते हैं कि हमारी जो मोटर है वो बड़े आराम से घूम रही है। फिर यदि मैं इसको सीरीज़ के अंदर चेक करना चाहता हूँ तो सीरीज़ के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारी जो कूलर है वो बड़े आराम से चल रहा है और काफ़ी स्लो चल रहा है क्योंकि अभी ये सीरीज़ में है और एकदम सॉफ्ट चल रहा है। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।